स्टूडेंट नमस्कार। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होंगे। आज के लेसन में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका जो लेसन 8 था रीजनल एस्पिरेशन वो समाप्त हो चुका है। आज जो हम नया लेसन आपका शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। इस लेसन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस लेसन के अंदर स्टूडेंट क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या इस लेसन में कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा पार्टिसिपेटरी अपसर्ज इन 1990s, 1990 के दशक में सहभागिता के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट एंड इट्स आफ्टरमैथ, मंडल कमीशन का कार्यान्वयन कैसे हुआ और उसके क्या परिणाम हुए, ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। तीसरा जो टॉपिक होगा इसके अंदर राइज ऑफ जनता दल एंड द भारतीय जनता पार्टी, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का उदय किस प्रकार हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा इंक्रीजिंग रोल ऑफ रीजनल पार्टीज एंड कोलिजन पॉलिटिक्स, कि उसके बाद नया टॉपिक होगा रीजनल पार्टीज के बारे में होगा कि रीजनल पार्टी का उदय कैसे हुआ और गठबंधन सरकार किस तरह अस्तित्व में आई। नेक्स्ट जो हमारा होगा कोलिजन गवर्नमेंट, जो गठबंधन सरकारें बनी जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की 1998 से 2004 वो एनडीए की गवर्नमेंट बनी, एक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन था जो 2004 से 2014 के बीच में चला, उसके बाद फिर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आ गया जो 2014 से लगातार काम कर रहा है। तो ये मुख्य टॉपिक्स है इस लेसन के अंदर कि भारतीय राजनीति में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं और उसके बाद उससे पहले इन टॉपिक्स को पढ़ाने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि 1980 के दशक में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं उसके बारे में हम आपको अभी बता रहे हैं। इसमें हम बेसिक रिमेम्बर फैक्ट्स आपको बता रहे हैं कि 80s के जो दशक के अंदर जो महत्वपूर्ण बदलाव आए थे उनके बारे में आपको याद रखना है, कुछ स्मरणीय तथ्य जो बेसिक रिमेम्बरेबल फैक्ट है उनको आपको याद रखना है। तो 5 मेजर डेवलपमेंट टुक प्लेस, इसके अंदर 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, डेवलपमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ द 80s, 80 के दशक के अंदर 5 महत्वपूर्ण बदलाव आए जिसके अंदर से इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल डाला, भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया, ये जिसका प्रभाव पूरी भारतीय राजनीति पर पड़ा। वो 5 डेवलपमेंट कौन कौन से थे, कौन कौन से वो परिवर्तन आए उसके अंदर, जो पहला था एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम 1980 के अंदर, 1980 के अंदर कांग्रेस पार्टी का अंत हो गया, वो चुनाव में हार गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस आजादी के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा था भारतीय राजनीति में, हमेशा वो सत्ता में बनी रही थी। लेकिन 80 के दशक के अंदर जो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन आया जिसने पूरी की पूरी भारतीय राजनीति को बदल डाला वो पहला फैक्ट था कांग्रेस पार्टी की हार हो चुकी थी। दूसरा 1990 के अंदर मंडल कमीशन रिपोर्ट पेश की गई थी, ये मंडल कमीशन ने भी भारतीय राजनीति में के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन लेकर आया। तीसरा 1991 के अंदर कुछ नए आर्थिक सुधार हुए थे उसने भी भारतीय राजनीति के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव किया। और एक था अयोध्या डिस्प्यूट्स, अयोध्या मामला था, इसके बारे में इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। अयोध्या डिस्प्यूट्स हुआ था 1992 के अंदर जिसके अंदर बाबरी मस्जिद को गिराया गया था और उसके बारे में हम आपको बताएंगे, इसने भी भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन किया। एक है एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी इन 1991 और 1991 के अंदर राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। तो ये 80 के दशक के अंदर ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे जिसने पूरी की पूरी भारतीय राजनीति के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिए थे। तो विद द डिफीट ऑफ कांग्रेस केम द न्यू एरा ऑफ कोलिजन, अब ये गठबंधन सरकार क्या होती है, कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, अलायंस क्या होता है। तो देखो जो अलायंस होता है वो बिफोर इलेक्शन होता है, इलेक्शन को इलेक्शन से पहले बनाया जाता है,
जब टू और मोर पार्टी कम टूगेदर एंड फॉर्म एन अलायंस टू विन इलेक्शन, इलेक्शन को जीतने के लिए जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती है तो वो अलायंस कहलाता है। लेकिन आफ्टर इलेक्शन जब वो पार्टियां जीत जाती है तो वो पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट का निर्माण करती है, सरकार का निर्माण करती है, तो उसको हम कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट कब बनती है? जब नो वन पॉलिटिकल पार्टी कैन सिक्योर मेजोरिटी इन द लोकसभा। नो सिंगल पार्टी सिक्योर मेजोरिटी इन द लोकसभा। लोकसभा के अंदर जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज कम टूगेदर एंड फॉर्म ए कोलिजन गवर्नमेंट। तो इस तरह से वो कोलिजन गवर्नमेंट कहलाती है। तो ये कोलिजन गवर्नमेंट का दौर कब शुरू हुआ? जब कांग्रेस पार्टी की हार हो गई। विद द डिफीट ऑफ कांग्रेस केम द न्यू एरा ऑफ कोलिजन। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की हार हुई, एक कोलिजन गवर्नमेंट का एक नया युग शुरू हो गया। एंड ए कोलिजन गवर्नमेंट कब बनती है? व्हेन नो सिंगल पार्टी वन मेजोरिटी इन द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा। लोकसभा के चुनाव में जब किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो अभी कब हुआ था? इन 1989 के इलेक्शन के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण से बहुत सी पार्टियों ने मिलकर कोलिजन गवर्नमेंट का निर्माण किया और इसी के कारण से रीजनल पार्टी अस्तित्व में आई थी। आगे हम इसके बारे में आपको और बताएंगे कि किस तरह से भारतीय राजनीति में ऐसे कौन कौन से तथ्य है, ऐसे कौन से फैक्ट है जिसने भारतीय राजनीति को बदल डाला। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा बदलाव कर दिया, बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया, उसमें 80 के दशक के अंदर क्या हुआ, दलित जातियों के उद्धार के लिए बहुत ज्यादा संगठन बनना शुरू हो गया था। उनमें से एक संगठन का नाम था बामसेफ, और बामसेफ का गठन होने के कारण ही आज एक जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम हम बहुजन समाज पार्टी कहते हैं, वो बामसेफ के निर्माण से, बामसेफ जो संगठन बना था दलित जातियों के उद्धार के लिए, 80 के दशक के अंदर बहुत ज्यादा आंदोलन चलाए गए थे ताकि दलित जातियों का उद्धार कर सके, और दलित जातियों के उद्धार करने के लिए एक संगठन बनाया गया था बामसेफ, और उसी बामसेफ से आज एक जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है उसका जन्म हुआ था। तो बहुजन समाज पार्टी के जन्म से, इस पार्टी के का उद्भव होने से भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था। इसी तरह से जो अगला परिवर्तन हुआ भारतीय राजनीति में वो था मंडल कमीशन। ये मंडल कमीशन क्या, एक बीपी मंडल, ये मंडल कमीशन किसके नाम पर, बीपी मंडल के नाम पर इसको पड़ा था मंडल कमीशन। ये क्यों बनाया गया था? इसके अंदर क्या था कि 27% रिजर्वेशन की बात की गई थी एससी बीसी के लिए, सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी जॉब होगी उसमें 27% सीट्स रिजर्व करने के लिए, किसके लिए, एससी बीसी के लिए रिजर्व की गई थी। इस कारण से मंडल कमीशन की बहुत ज्यादा हमारे देश के अंदर आलोचना भी, बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ, और इस मंडल कमीशन ने भी भारतीय राजनीति के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन ला दिया। इसी तरह से अगला एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन था वो था डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। बाबरी, ये जो अयोध्या मुद्दा था ये भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बनकर उभरा। इसमें अंदर क्या हुआ कि हिंदुवादी जो संगठन थे उन्होंने क्या किया, बाबरी मस्जिद को ढा दिया, जिसके कारण से जो उसका मेन जो संगठन थे वो आरएसएस था। आरएसएस ने ये काम किया था, और आरएसएस के काम करने के कारण इसके अंदर बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया, और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की एक नई राजनीति शुरू हो गई। और हिंदुत्व का रूप किसने लिया, हिंदुत्ववादी पार्टी किसको बना दिया गया, भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व हुआ। तो ये भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ, जिसके अंदर ड्यूरिंग 1980s के दशक के अंदर परिवर्तन करने में जो भारतीय राजनीति में जो परिवर्तन हुआ, दलित आंदोलन चलाए गए दलितों का उद्धार करने के लिए 80 के दशक के अंदर, जिससे भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। उसी तरह मंडल कमीशन ने भी बहुत ज्यादा भारतीय राजनीति में परिवर्तन किया। इसमें 27% रिजर्वेशन रखा गया था एससी बीसी के लिए, इसने भी भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन किया। और जो डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद था इसके अंदर क्या था, इन अयोध्या गेव राइज टू द अयोध्या इशू इन 1990। बाबरी मस्जिद का जो मामला वो 1992 में हुआ। इट सिंबलाइज द वेरियस चेंजेस इन पॉलिटिक्स, इसने राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। एंड डिबेट अबाउट सेकुलरिज्म एंड नेशनलिज्म, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद
जैसे मुद्दे पर बहुत ज्यादा इसमें डिबेट हुई, विवाद हुए, वाद विवाद हुए, दी चेंजेस वर एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। और इन परिवर्तनों ने किससे जुड़े हुए थे, सारे के सारे परिवर्तन ये हिंदुत्व से जुड़े हुए थे और बीजेपी से जुड़े हुए थे। इस तरह से भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं 80 के दशक के बाद जो भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाए। इसी तरह के मुद्दे हम आगे आपको और भी बताएंगे। थैंक